हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। एंड ये है भाई अगला दिन, मतलब कि लद्दाख से आते ही भाई, अब इसकी ना कंडीशन वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि अब तो ना सर्विस कराने लेके जा रहा हूँ भाई 20,000 वाली, और ये डीपीएफ वगैरह का इशू है। ये तो आप अलग वीडियो में शायद देख ही लेंगे, वरना आपको पता ही है डीपीएफ का क्या इशू होता है, इसलिए अभी इसकी बात तो नहीं करते हैं। मतलब कि अभी ना फिलहाल कार ना सड़ी हुई है भाई, बिल्कुल ही सड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि सर्विस ही करा लेता हूँ। उधर वॉश वगैरह भी हो ही जाएगी, अंदर से भी आप देख सकते हैं गंदी वगैरह बहुत है। कंडीशन वगैरह भी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं, मतलब कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है ये डीपीएफ के अलावा। और थोड़ी बहुत कार नीचे लगी है, वो तो देखेंगे जब धुल जाएगी ना कि क्या है, निशान वगैरह है नहीं, वो भी मैं सब आपको दिखा दूंगा। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा भाई कि जो 20,000 वाली सर्विस है डीजल वरना की कितनी कॉस्ट आती है कितनी नहीं। इधर बैठा है जोंटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या लगता है कितने की होगी 20,000 वाली सर्विस? लेबर तो फ्री है, फ्री है। 5,000 रुपए लग जाएंगे, 5,000 देखते हैं कितने की होती है भाई। बाकी तो पंचकुला के हुंडई में जा रहे हैं भाई हम, रास्ते देख लो आप ऐसे थोड़ी पंचकुला में। और आजकल हमारी सोसाइटी में इलेक्शन भी है गाइस, अगर आप एमसी के इलेक्शन है, अगर आप इधर आसपास रहते, पिंजौर में भी हो रहे होंगे, पिंजौर कालका में भी हो रहे हैं ना आजकल, हमारा इलेक्शन वाला माहौल भी चल रहा है। लद्दाख से आते ही इलेक्शन मोड में हम जा रहे हैं भाई, ऐसी कुछ हो रखी है कंडीशन। देख लो कैसी सड़ रखी है कार, टायर टूर ये वो, हेडलाइट्स तो हमने कल साफ करी थी रास्ते में आते हुए, अब अंदर चलते हैं। हाँ लग रहा है ना कि ट्रिप करके आए हैं, पूछते हैं कर दो कैसे साफ। तो यार पंचकुला वाले बर्कले से तो हम निकल चुके हैं, इधर की सर्विस मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लगी। पंचकुला वाला बर्कले ना मतलब क्या ही यार, पहले कॉल आया था उनका तब मैं जा रहा था, और इससे पहले जो 10,000 वाली सर्विस थी ना वो भी मैं चंडीगढ़ वाले बर्कले से ही कराई थी। जो चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट मिलता है ना वो पंचकुला वाले में कभी नहीं मिल सकता। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो देख के फिर क्या पता उनका कॉल फिर से आ जाए, बट जो गलत बात है वो गलत बात ही है। तो भाई अभी ना हम बैठे हैं लाउंज के अंदर, और इधर ना कुछ सीन वगैरह भी हो चुका था। मतलब कि जैसे ना ये 20,000 वाली सर्विस है ना, और डीपीएफ की लाइट है, कहते हैं पहले ना डीपीएफ की लाइट का इशू सॉल्व होएगा, तो मैं कर दो, कहते ओबीडी स्कैनर नहीं है, तो उसमें ये टाइम ही नहीं बता रहे थे, कहते 6 भी बज सकते हैं, अगला दिन भी हो सकता है, कुछ सेंस नहीं थी। बस इसी बात से थोड़ी लड़ाई लड़ूई सी होगी, तो बैठे हैं वेट कर रहे हैं ओबीडी स्कैनर की, देखते हैं ओबीडी स्कैनर कब तक आता है। जब तक मतलब कि ओबीडी स्कैनर नहीं आएगा, डीपीएफ का इशू सॉल्व नहीं होएगा, तब तक सर्विस नहीं होगी, क्योंकि वो ये इंजन ऑयल वगैरह का चक्कर होता है जो भी होता है। तो भाई 4 बज चुके हैं अभी, तो पहले ना डीपीएफ का इशू सॉल्व हुआ है, उसकी आप अलग से एक वीडियो देखेंगे, अब होगी सर्विस स्टार्ट। मतलब कि भाई हद ही जाए, जो डीजल कार में दिक्कतें हैं ना डीपीएफ वगैरह की, बुरा ही हाल है। अब इधर लगेगी कार, सर्विस वगैरह होएगी, सर्विस का एस्टिमेशन भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, एक बार हो जाए सर्विस। हम खुद इतना लेट हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई, ये डीपीएफ का चक्कर ही बड़ा गंदा था भाई। ये निकाले एयर फिल्टर, क्या ही गंदा हो रखा है एयर फिल्टर, और लद्दाख में ना इतनी बार तो हमने साफ करा है, फिर ये हाल है इसका। तो भाई ये निकल चुका है डीजल फिल्टर, देख रहे हो कितना बड़ा है, सेकंड सर, मतलब 20,000 वाली में ही होता है, जब 10,000 वाली होती है जब तो निकाला नहीं गया था, इसके अंदर कुछ होता है वो चेंज होएगा। तो यार लद्दाख के बाद ना जो चीज़ें टूटी है ना मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक की शीट होती है, देखो कैसी धजिया उड़ रखी है इसकी, बट कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर देखो इसकी धजिया उड़ रखी है, ये भी प्लास्टिक की शीट है, बुरा ही हाल हो रखा है भाई नीचे से। ये देखो जो पत्थर लगे हैं ना नीचे, उनकी वजह से हुआ है सारा। नाइस नाइस। तो भाई ये है इसका एसी फिल्टर, इसकी भी धजिया उड़ रखी है, ये भी अब नया ही डलेगा, जैसे एयर फिल्टर खराब था ना, ये भी भाई खराब ही है, बुरा हाल भाई। लद्दाख ने क्या कर दिया भाई, खर्चे ही बहुत है। चलो भाई अभी ना सर्विस हुई है, अब रोड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड, सही बात है, तो अच्छी बात है, अब एवरेज बढ़ जाएगी इसकी, और बढ़ जाएगी। हाँ अच्छा, अब और एवरेज बढ़ जाएगी, चलो बढ़िया हो जाएगा फिर तो। खींच के गियर रखोगे तो थोड़ा डाउन रहेगी, अगर आराम से चलाओगे तो बढ़िया सही चलाते हैं। ये तो नई चीज बताई आपने, खींच के अंदर ना दूसरे गियर में बड़ी टिक करके उठाएंगे तो उसमें लॉस हो जाएगी, उसमें लॉस हो जाएगी, आगे तो रास्ता ही नहीं है। तो भाई रोड टेस्ट के बाद आ चुके हैं कार वॉश कराने, मेन चीज तो है कार वॉश हो जाए, इतनी स्टडी पड़ी है ना अंदर से, इन्होंने और गंदी कर दिया इंजन ऑयल के हाथ लगा के। और इधर देखो सारी कारें धुल रही है, मतलब धुल के खड़ी हुई है, चमक रही है, एन लाइन बड़ी सेक्सी लग रही है, अब अपनी भी बन जाएगी। अभी ना कार की वॉशिंग वेयर हो रही है, मैं कुछ खाने पीने आया था, देखना क्या खड़ा है मॉन्स्टर ट्रक भाई, और इसमें ना मड टेरेन टायर्स डल रखे हैं भाई, क्या ही ग्राउंड क्लीयरेंस है यार इसकी, क्या ही। इधर भी खड़े हुए हैं, नाइस।
मैं सोच रहा हूँ चढ़ेंगे कैसे भाई इसके ऊपर। भाई टाइम हो चुका है 6:12 और अभी तक भाई कार नहीं वॉश हुई है। पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, देखना। तार लेके घूम रहा हूँ, ऊपर चार्जिंग पे लगाया था फोन, लाउंज में बैठ रखा था और इंस्टाग्राम वगैरह चला लिया थोड़ा बहुत। एंड नीचे ना आपको इंस्टाग्राम की भी आईडी दिख रही होगी, आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड सामने खड़ी हमारी वरना, देखते हैं अब कितना रह गया कितना नहीं। अभी तो रास्ता ठीक होगा, अब तो बढ़िया है। मतलब कि इसके ये लेके गए ना, इसमें फिर भी दिक्कत थी, नीचे लगी है ये जो आगे की वो ट्रेस ही नहीं है इसकी प्लास्टिक की, वो उसमें छेद हो रखे हैं, टूटी पड़ी है वो। गाइस फाइनली सर्विस वगैरह करा के भाई बाहर आ चुके हैं और अब ना मैं आपको बिल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा रहा कैसा नहीं। मतलब यार 2-3 बजे हम पहुंचे थे, 2-3 बजे भी नहीं, 2 बजे तक हम पहुंच गए थे। अब टाइम देख लो कितना हुआ है, बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि ना DPF का इसमें इशू था। वो मैं एक अलग वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा क्या था क्या नहीं, ट्रिप से आते हुए हुआ था वो, तो अब देखो सॉल्व हो चुका है। और अब बात करते हैं जो 20,000 वाली सर्विस है, मतलब कि थर्ड सर्विस। फर्स्ट होती है 1,000 पे, 10,000 पे, फिर ये 20,000 पे, और इसमें ना लेबर तो फ्री होती है। एक बार मैं ब्लोअर कम कर देता हूँ और अब मैं आपको ना पूरा बिल दिखा देता हूँ भाई क्या है। टोटल मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हुआ है 4676। अब आप कहेंगे ज्यादा है, तो मैं भी कहता हूँ भाई ज्यादा तो है, नो डाउट। मैं बता देता हूँ आपको, पहले आप देख सकते हैं विंडशील्ड वॉशर, ये है 16 रुपए का। BS6 इंजन ऑयल डीजल, ये है 1647 रुपए का। अगला है AC फिल्टर, 289 रुपीज का। फिल्टर कार्ट्रिज, ये है 816, मतलब की डीजल फिल्टर है ये। और ये एयर फिल्टर है नीचे, ये है 233 रुपए का। सर्विस किट ऑयल फिल्टर, ये है 360 रुपीज का, ठीक है जी। उसका लेबर एंड सर्विस, लेबर फ्री। एंड जो ये लिखा ना AC वाला डिसइनफेक्ट, मतलब की ये है वो, हाँ, फ्यूमिगेशन वगैरह की, जैसे AC फ्यूम्स वगैरह की जो आपने वीडियो में देखी भी होगी। इससे ना जो AC के जो अंदर डस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सारा क्लीन हो जाता है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये है 575 रुपीज की। अगर ये ना करा तो 4,000 तक की हो जाती, बट टोटल 4676 हुआ है भाई। ये डीजल कार है, डीजल का ना थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे डीजल फिल्टर हो गया, और इसमें भी ना, हाँ, इंजन ऑयल भी ज्यादा डलता है, दूसरा फैक्ट्री हो गया इसलिए ज्यादा है। और AC फिल्टर भी अगर मैं चेंज ना कराता, मेरे पे ऑप्शन था बट मैं करा लेता हूँ। डीजल फिल्टर का भी ऑप्शन था, मैं करा लेता हूँ, क्योंकि यार ये ना वही है कि लॉन्ग टर्म में ना आपकी कार बढ़िया रहेगी। और मेरी कार वैसे लद्दाख गई थी, AC फिल्टर बिल्कुल ही सड़ रखा था, एयर फिल्टर बिल्कुल ही सड़ रखा था। सो ना अगर मैं ना कराता ना, मतलब की साफ सूफ करा के चलाता ना, तो कार ना दब के चलती। अब भाई चला रहा है जैसे, इससे पूछते हैं भाई पहले से कैसी चल रही है, पहले फर्क लग रहा है, खुल के चल रहा है। मतलब की वही बात है की वाइब्रेशन भी खत्म हो गई, हाँ, पहले लग रही थी मेरे को वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तूने पहली बताई थी, तो वही बात है यार। अब इतनी बड़ी ट्रिप पे गए हो, तो मैंने कहा, और मेरी तो मतलब कि किस्मत वैसी थी कि जैसे ट्रिप के बाद ही ये 20,000 हो गई थी, अब तो देखो 20,420 हो रखी है, क्या बात है 420। तो मैं सोचा ये ना करा लेता हूँ सारे काम, और मेरे अकॉर्डिंग तो ना वर्थ है यार ये काम। अब ना मतलब कि 10,000 जब चलेगी कार, और मतलब 30,000 या फिर एक साल बाद ही इसमें कुछ खर्चा आएगा टचवुड, उसके सिवा तो कोई खर्चा वगैरह इसमें नहीं आएगा। और अंदर से भी कार इतनी साफ हो चुकी है, बाहर से आपने सिनेमैटिक्स में देख ही ली थी कि भाई कार कितनी ज्यादा साफ है। उसके अलावा सर्विस की बात करें ना, मतलब कि कस्टमर सर्विस की, यार मुझे ओके सी लगी। मतलब कि लास्ट टाइम जब 10,000 वाली कराई थी ना, जब तो बहुत ही बढ़िया लगी थी, बट इस बार ना मतलब वो बातचीत नहीं थी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं थी। स्टार्टिंग में ना थोड़ी टूतू मैम भी होगी थी मेरी, जो बाहर गार्ड सा बैठा था, बट उसके बाद जो एडवाइजर थे ना वो बढ़िया थे, उनका नाम शायद अजय है, वो बढ़िया बंदे थे। बाद में मतलब कि सब कुछ बढ़िया रहा। तो इस कस्टमर सर्विस की बात करें ना, मैं 10 में से 8.5 तो दूंगा भाई कि बढ़िया था बाद में तो, बट फर्स्ट थोड़ा सा ऐसे ही एक्सपीरियंस था, थोड़ी बातचीत हुई ना उसके बाद ठीक ठाक सा रहा। और टाइम वगैरह तो लग गया यार। अब मैं बताऊं टाइम हमें ज्यादा क्यों लगा, जो DPF वाला इशू था ना भाई, उसमें 2 घंटे लग गए थे, इतना बड़ा इशू था ना वो, मैं आपको क्या बताऊं। और अच्छा है वो OBD स्कैनर से हो गया, मतलब वो सब ना मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है BS6 डीजल इंजन में, इसलिए उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल सर्विस की बात करें भाई, जैसे मैंने आपको बिल दिखा दिया, इतने की सर्विस हो चुकी है 4676 की, और बहुत ही बढ़िया हमारी चक्का चक्कार हो चुकी है, अब स्मूथली चल रही है। मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप सर्विस वगैरह करा रहे हैं तो फिल्टर वगैरह ना चेंज करा लिया करें टाइम टू टाइम, ताकि ना लॉन्ग रन में ना आपकी कार बढ़िया चले भाई। एंड इस बार तो ना वैसे हमारी लेबर भी नहीं लगी है, जो नेक्स्ट सर्विस होगी ना 30,000 वाली, उसमें लेबर भी लगेगी, मतलब कि अगली बार थोड़ी और महंगी हो सकती है, बट वही बात है अपने ऊपर है। जैसे ना मेजर सर्विस है, अगली बार इतने फिल्टर वगैरह भी मेरे ख्याल से चेंज नहीं होंगे, हाँ माइनर होगी ना अगली, तो ये मेजर सर्विस है इसलिए थोड़ी ज्यादा आई है 4676। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यार जैसे मैंने पहले बताया ठीक है भाई। आजकल लोगों की XUV 700 की, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसकी 15,000 आ रही है,
और इसके ना हमने ब्रेक पैड्स वगैरह भी मतलब देखे, साफ सूफ कराए, ब्रेक पैड्स वगैरह भी भाई बिल्कुल सही पड़े हैं, और ग्रीसिंग वगैरह कराई थी ब्रेक्स में तो वो भी मतलब की हो चुकी है, मतलब सब कुछ ही बढ़िया हो चुका है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैंने ना इसकी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह नहीं कराई है, क्योंकि बाहर से ना वो सस्ती हो जाती है, बाहर से 800-900 की हो जाएगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट अंदर वो था 1500-1600, टैक्स अलग लगते तो मतलब की समझ रहे हो ना, और रेट हो जाते तो ये 6000 तक चल जाती है आराम से। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग भी सर्विस वगैरह करा रहे हैं ना, अंदर से मत कराया करे बैलेंसिंग वगैरह, बाहर से तो आप फिर भी करा लो तो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि बाहर तो वही डिपेंड करता है कितना वेट डल रहा है कितना नहीं, बट अंदर चार्जेस भाई नजायज थे, इसलिए मैंने वो भी नहीं कराया, इधर आप देख ही सकते हैं। सो इस फिलहाल तो यार इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बुरी हालत हो चुकी है, मतलब कि आज सुबह मैं 3 बजे आया था लद्दाख से, और आज ही मैं निकल गया कार लेके, भाई साफ सुथरी हो जाए कार, क्योंकि ना गंदी कार ना ऐसे जितनी अच्छी नहीं लगती है, और वो ये DPF का इशू था तो टेंशन रहती है कि भाई वो भी सही करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा होच पोच सा हो रखा था, अब थक चुके हैं, अब घर जाके ना जल्दी ही सो जाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो, क्या करवाना चाहिए क्या नहीं, एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।